चलो अब शुरू करते हैं। अब लोग जिसको कोई सवाल करना होगा पहले हैंड रेज करना, फिर परमिशन देंगे तो तुम ऑन करके तुम बात कर सकते हो। ओके यहाँ के पहले वाला जितना था हम लोग सब देख चुके थे, यहाँ तक किसी को ठीक है। लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन और मिड फंक्शन, यहां तक हम लोग देख चुके थे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ इसमें। इसके बाद है लेंथ। लेंथ मतलब लेंथ, अगर हमको किसी टेक्स्ट का लेंथ निकालना है, लेंथ का नहीं मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर, अगर 5 कैरेक्टर का कोई टेक्स्ट है उसका लेंथ आएगा मेरा 5, ठीक है। अगर मान लो हमको लेंथ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ फंक्शन यूज करेंगे और आर्गुमेंट में वो टेक्स्ट पास करेंगे, वो टेक्स्ट पास करेंगे तो हमको मिल जाएगा उसका लेंथ। द लेंथ फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ सप्लाई टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद है फाइंड। फाइंड फंक्शन, फाइंड क्या करता है, द फाइंड फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग विद इन ए सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग, दिस फंक्शन इज कैन सेंसिटिव। देखो फाइंड है और एक है सर्च, दो एक जैसा फंक्शन है मेरे पास, दोनों का काम भी एक ही जैसा है, अंतर सिर्फ इतना है कि फाइंड मेरा केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव करने का मतलब अपर केस लोअर केस को के अंतर को समझता है। अगर हम स्मॉल ए से कुछ फाइंड करेंगे और वो कैपिटल ए से लिखा हुआ है, मतलब आदर्श कुमार खोज रहे हैं, है ना, किसी नेम में हम आदर्श खोज रहे हैं और आदर्श स्मॉल ए में लिखा है तो नहीं खोज पाएगा, ठीक है। और सर्च जो है बिल्कुल फाइंड जैसा ही काम करेगा, लेकिन वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं रहेगा। ओके तो फाइंड समझ लेते हैं, तो तुम सर्च भी और फाइंड एक साथ समझ जाओगे, सिर्फ अंतर सिर्फ क्या है, केस सेंसिटिव है और एक दूसरा नहीं है। ओके द फाइंड फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, कैसे, देखो फाइंड लिखते हैं और यहां फाइंड टेक्स्ट लिखते हैं, कौन सा टेक्स्ट खोजना है वो टेक्स्ट यहां लिखते हैं और वो टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें से खोजना है, जिसमें से खोजना है और उसको लिखते हैं बाद में, और स्टार्ट नाम, ये तीनों पैरामीटर क्या क्या है, देखो फाइंड टेक्स्ट द कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग दैट यू विश टू फाइंड, खोजना है हमको। विद इन टेक्स्ट द टेक्स्ट स्ट्रिंग दैट इज टू बी सर्च, किस सर्च स्ट्रिंग में से क्या खोजना है, तो जो सर्च स्ट्रिंग होगा, सर्च स्ट्रिंग होगा उसको देंगे सेकंड में, पहले वाले में कौन सा देंगे जिसको खोजना है। गुड। स्टार्ट नम एन ऑप्शनल आर्गुमेंट दैट स्पेसिफाइज द पोजीशन इज विद इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग फ्रॉम विच द सर्च शुड बिगिन, सर्च कहां से शुरू होना चाहिए, टेक्स्ट स्ट्रिंग में सर्च कहां से शुरू होना चाहिए,
नॉर्मली तो हम बोले तो एक से शुरू होना चाहिए, एक से शुरू होना चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा स्ट्रिंग है तो एक से ना लेकर दस से शुरू करें, तो दस से शुरू हो जाएगा, दस से शुरू हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो स्टार्ट नंबर वाला जो पैरामीटर है ना, वो बिग ब्रैकेट में है, और बिग ब्रैकेट में पैरामीटर कौन सा होता है? ऑप्शनल होता है। नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, एरर नहीं आएगा। तो क्या होगा जब नहीं देंगे तो कहां से शुरू करेगा? बाय डिफॉल्ट फर्स्ट करेक्टर से शुरू करेगा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट करेक्टर से शुरू करेगा जो हम चाहते थे। अगर बाय चांस हम किसी और करेक्टर से शुरुआत करना चाहते थे तो हम यहाँ पे स्टार्ट नंबर की जगह पे वो वैल्यू दे सकते थे। ठीक है, एक बार हम सर्च भी देख ले, उसके बाद हम ले चलेंगे तुमको एक्सेल में। द सर्च फंक्शन रिटर्न द पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफाइड कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग विद इन अ सप्लाइड टेक्स्ट स्ट्रिंग। द फंक्शन इज नॉट केस सेंसिटिव। सर्च स्ट्रिंग विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नंबर एकदम एग्जैक्टली उस सेम है। ठीक है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट क्या है? हम अगर किसी दो टेक्स्ट में अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है कि नहीं है, तब हम क्या करेंगे? फंक्शन है मेरे पास एग्जैक्ट, उसको यूज करेंगे। एग्जैक्ट फंक्शन टेस्ट द टू सप्लाई टेक्स्ट स्ट्रिंग और वैल्यू, इफ बोथ आर सेम इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो मान लो हम कोई नेम को खोज रहे हैं और हम वो नेम पहले से डेटाबेस अगर मेंटेन करेंगे जब हम, तो उस समय हम ये काम कर सकते हैं ये सर्च करने में कि कोई नेम पहले से है कि नहीं है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ये यूज हो सकता है। ओके, इसके बाद जो है मेरा यहां पे खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन कैसे यूज करते हैं। चलो हम लोग एक्सेल में चलते हैं डायरेक्टली, एक्सेल में, और यहां पे हम कुछ लिखते हैं। चलो यहां पे लिखते हैं हेलो, यहां लिखते हैं इंडिया, यहां लिखते हैं हिंदुस्तान। यहां लिखते हैं लेन, लेन फंक्शन, और यहां पे टेक्स्ट की जगह पे हम ये दे देते हैं सेल का एड्रेस। पांच सही दिया कि गलत दिया, गिन के बताओ। सब सही है, अच्छा ओके। अब मान लो कि हम हेलो इंडिया लिखते हैं यहां पे, हेलो इंडिया, और हमको करना क्या है? फाइंड करना है, फाइंड करना है, फाइंड क्या फाइंड करना है? आई एन डी फाइंड करना। सपोज करो हमको आई एन डी, ये फाइंड है और फाइंड हमारा केस सेंसिटिव है, तो हम स्मॉल आई एन डी देंगे क्योंकि हमारा वहां भी वही है। कॉमा किसमें खोजना है? तो इसमें खोजना है, बंद कर दिए हम पैरामीटर जो था ऑप्शनल वाला नहीं दिए। ठीक है, तो सेवन, एक दो तीन चार पांच छ, सातवां नंबर में हमको मिल गया आई एन डी, सातवां नंबर में आई एन डी मिल गया। अच्छा एक काम करते हैं, आई एन डी को कैपिटल कर देते हैं यहां पे, देखते हैं क्या करता है। ठीक है, आई एन डी को कैपिटल कर दिए, क्या किया? वैल्यू एरर आ गया, वैल्यू एरर आ गया मेरा। अब इसको कैसे ठीक करें? या तो हम इसको स्मॉल कर दें, यहां इसको सर्च कर दें। ठीक है, हो गया ना। अच्छा, अगर मान लो हम यहां पे भी लिख देते हैं हेलो, हेलो, और यहां लिख देते हैं कुछ और, लिख देते हैं यहां क्या लिख देते हैं, यहां भी हेलो। ठीक है, और यहां पे हम एग्जैक्ट निकालते हैं, एग्जैक्ट हम देते हैं, और एग्जैक्ट में हम एक दो ये हेलो दे देते हैं और उसे ये हेलो दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो हमको ट्रू दे देगा, दोनों हेलो है। लेकिन यहां पे अगर हम इसको ड्रैग करते नीचे की तरफ,
तो यहां फॉल्स आ जाएगा क्योंकि इंडिया और हेलो दो अलग अलग टेक्स्ट है, एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो हम अगर दो टेक्स्ट को एक जैसा अगर है, अच्छा क्या होगा अगर मान लो ये हेलो कैप्टन हो जाता तो, करके देखे एक बार, एग्जैक्ट तो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है तो फॉल्स, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बहुत अच्छे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग अभी जो फंक्शन देखे, हम लोग क्या क्या फंक्शन देखे, डेट टाइप फंक्शन देखे, न्यूमेरिक फंक्शन देखे, टेक्स्ट फंक्शन देखे, अभी और सब फंक्शन देखना बाकी है, एक्सेल तो फंक्शन ही है। तो हम लोग इस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, कितने तरीके से यूज कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट पे, ओके। इन एक्सेल देयर आर थ्री वेज टू इंसर्ट फंक्शन इनटू द सेल शीट। पहला, टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल। अभी तक हम लोग कैसे यूज कर रहे थे, हम लोग सेल में जाकर डायरेक्टली टाइप कर रहे थे या कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल रहे थे? डायरेक्टली हम लोग इक्वल टू साइन के साथ टाइप कर दे रहे थे। एक तो तरीका ये हो गया जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। दूसरा तरीका है इंसर्ट फंक्शन बटन से, इंसर्ट फंक्शन बटन। मान लो हमको नहीं याद है कि हमको एक काम करना था, अभी एग्जैक्ट वाला काम करना था, फंक्शन हमको नहीं याद आ रहा, क्या क्या था यार, एग्जैक्ट कुछ था याद नहीं आ रहा है, तो कितना अच्छा रहेगा फंक्शन का लिस्ट हमको मिल जाए, हम वहां से देख लेंगे, तो जैसे देखेंगे याद पड़ जाएगा सर एग्जैक्ट है। तो हमारे पास एक और तरीका है, इंसर्ट फंक्शन बटन से हम कर सकते हैं। और तीसरा है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप फार्मूला टैब पे। फार्मूला टैब पे सबसे आसान जो हमको लगता है, और हमको लगता है तुमको भी लगता होगा, वो सेल में डायरेक्टली टाइप करना ही है, सेल में डायरेक्टली टाइप करना ही है, ओके। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो बहुत सिंपल सा कोई फंक्शन लेंगे, कोई डेटा लेंगे, यहां पे ले लेते हैं हम लोग 45, यहां लेते हैं 67, हमको यहां सम करना है, यहां सम करना है। तो पहले वाले सेल में हम लोग टाइप करते हैं सम, और इसको यहां से और यहां सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद, हो गया सम। दूसरा, यहां पे आओ और ये फॉर्मूला बार के ठीक बगल में एफएक्स जो लिखा गया है, फंक्शन ऑफ एक्स लिखते थे ना एफएक्स, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, यहां हमको सारा का सारा फंक्शन दिखेगा, ठीक है। ये सारा फंक्शन कौन सा दिख रहा है, देखो मोस्ट रिसेंटली यूज, जो जो मोस्ट रिसेंटली यूज हम किए वो फंक्शन यहाँ दिखेगा। अगर यहां से कोई और फंक्शन चाहिए तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट वाला है तो टेक्स्ट फंक्शन यहाँ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ तो एग्जैक्ट मिल जाएगा, दिख लेगा हमको, याद पड़ जाएगा, ठीक है। ऑल करोगे तो जितना फंक्शन है सब फंक्शन यहाँ दिखेगा, सारा फंक्शन एक्सेल का सब यहाँ दिख जाएगा हमको, बहुत टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट रिसेंटली यूज वाला ही देखते हैं, ठीक है, मोस्ट रिसेंटली यूज, और यहां पे हमको मिल जाएगा सम, देखो सम मिल गया। यहां से इस फंक्शन को सेलेक्ट कर लेना है, यहां से इस फंक्शन को सेलेक्ट करके क्या कर देना है, कैंसिल, ओके, ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो सम फंक्शन के लिए तो पैरामीटर चाहिए ना, आर्गुमेंट चाहिए, तो मेरे पास दूसरा डायलॉग बॉक्स आएगा फंक्शन आर्गुमेंट का, जहां से पूछेगा कि आप बताइए कौन सा, कहां से कहां तक हमको जोड़ना है, ठीक है। तो हमको जोड़ना था A1 और B1 को, तो हम क्या करेंगे, नंबर वन में लिख देंगे A1, नंबर टू में लिख देंगे B1, या ऐसे भी लिख सकते A1 B1, A1 और B1 ऐसे लिख दो, या नंबर वाइज लिखते चले जाओ, तो जितना नंबर तुम जाओगे उतना नंबर तक वो जाता रहेगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं A1, यहां लिखते हैं B1, देखो अपने आप नंबर 3 भी आ गया ना, नंबर 3 भी कुछ लिखोगे नंबर 4 भी आ जाएगा। यहां नीचे देखो क्या लिखा है, नंबर 1 नंबर 2 डैश 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 R1 to 255 नंबर 2 सम। हम टोटल 255 पैरामीटर यहां यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करो चाहे वैसे करो, एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और यहां के बाद हम कर दो ओके, आगे 112, ये वाला था फंक्शन टाइप, ये था हमारा फंक्शन बटन से इंसर्ट फंक्शन बटन, यहां तक तो हो गया। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं फार्मूला टाइप का।
हम ई वाले सेल में लिखते हैं फॉर्मूला टाइप। कहां है फॉर्मूला टाइप? देखो यहां पे है फॉर्मूला टाइप, और फॉर्मूला टाइप में फॉर्मूला लाइब्रेरी देख रहे हो, ये ग्रुप। इस ग्रुप में सारा का सारा जितना फंक्शन है सबको उसके फैमिली के अकॉर्डिंग, बोलो एक बार क्या डिस्ट्रीब्यूट, हाँ कस के बोलो, बोल रही तो समझ सुनाई दे उनको। तो ये फंक्शन लाइब्रेरी में अलग अलग फैमिली में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला ऑटो सम का था। अच्छा ये इंसर्ट फंक्शन क्या है? यहां जो किए थे वही वाला है, यहां जो किए थे इंसर्ट फंक्शन फॉर्मूला फॉर्मूला बार के बगल वाला, वही इफेक्ट यहां भी है। और यहां पे पूरा का पूरा मेरा अलग अलग फैमिली में डिवाइड किया गया है। ऑटो सम वाला फॉर्मूला जो यहाँ मिला था हमको रिसेंटली यूज, यहाँ वाला है फिनेंशियल में, यहाँ सारा फंक्शन फिनेंशियल वाला होगा, जो फाइनेंस एक्सपर्ट होंगे उनके काम का है। लॉजिकल वाला इफ एंड वाला ये हम लोग के काम का है। टेक्स्ट वाला भी था इतना सारा फंक्शन, ठीक है। डेट टाइम का है, लुकअप एंड रेफरेंस है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, मोर फंक्शन, बहुत सारा फंक्शन है देख रहे हो यहाँ पे। हमको यहाँ से एक फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट करना है, नेक्स्ट आएगा देखना बाकी है अभी हम लोग को। तो यहाँ पे आए और रिसेंटली यूज में आओ और यहाँ से सम सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे ही सम सेलेक्ट किए वापस मेरा वही वाला आ गया, इसको क्या कर दो, ये अपने आप ले लिया A1 से D1 तक, लेकिन हमको A1 से B1 तक ही ना चाहिए, क्योंकि डेटा A1 से D1 दिख रहा है इसलिए सबको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ले, लेकिन हमको A1 से B1 ही चाहिए। ओके कर देंगे तो मेरा यहाँ 112 112 112 तीनों 112 आ गया। व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, समझ में आई बात? तीन तरीके से हम फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला क्या था, टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल, दूसरा था इंसर्ट फंक्शन बटन, और तीसरा था फार्मूला टैब में फार्मूला लाइब्रेरी, ठीक है। टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल, इट इज अ क्विकर एंड इजी वे टू इंसर्ट फंक्शन बाय टाइपिंग देम डायरेक्टली टू द सेल। ओके, बाय इंसर्ट फंक्शन बटन, ये भी देख लिए हम लोग। और ये है हमारा लॉजिकल टेस्ट। अगर हम इफ कर रहे हैं तो इफ पे तो तीन पैरामीटर लगता है इफ में, ठीक है। और एक तीसरा वाला है फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब। ओके, इसके बाद है लुकअप। एक मिनट, एक चीज बताओ, अगर मान लो इस 45 को 45 को ऑड और इवन करना है हमको, और हमको फार्मूला इंसर्ट फार्मूला से करना है, तो क्या करेंगे, यहां रखेंगे इंसर्ट फार्मूला में आएंगे ना, यहां से आएंगे, देखो ध्यान देना, यहां से आएंगे तो लॉजिकल वाले में चले आएंगे। कहां गए लॉजिकल, यहां है लॉजिकल में इफ को सेलेक्ट करेंगे। जैसे इफ को सेलेक्ट करेंगे तो मेरे पास तीन पैरामीटर आएगा, पहला लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद ट्रू वाला, उसके बाद फॉल्स वाला, ऐसे आता था, ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट पे क्या लिखते हैं हम, ये नंबर जो है वो मॉड दिस नंबर, बराबर जीरो। अगर ये ट्रू हो जाता है तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, ऑड नंबर ने जी, मतलब दो से भाग देगा, जीरो से कट जाएगा, जीरो हो जाएगा तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो यस सर, क्या बोल रहे, बोलो इवन होगा, इवन और यहाँ पे ऑड, ठीक है। ओके, ऑड हो गया, आ गया ना। तो जो फंक्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा उसमें जितना पैरामीटर जाने वाला है वो पैरामीटर के अलग से डायलॉग बॉक्स आएगा और आपको पैरामीटर वहां पे इंटर कर देना है, ठीक है। ओके, इसके बाद लुकअप, बहुत मजेदार है लुकअप। देखो एच लुकअप, देखो लुकअप क्या है, लुकअप कहने का मतलब देख के किसी चीज को खोजना, लुकअप मतलब किसी चीज को देख के खोजना। क्या है इसे, पूरा 9:15 बज रहा है तुम्हारे मुंह पे। देख के खोजने का मतलब क्या, जैसे मान लो, जो ये कॉपी दो,
अच्छा एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है और एक रजिस्टर में ऐसा लिखा हुआ है रोल नंबर, नेम और तुम्हारा मार्क्स लिखा हुआ, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स, मैथ का मार्क्स, ऐसा लिखा हुआ है। हम तुमको दे अगर ये रजिस्टर, बोले रोल नंबर 4 का टोटल मार्क्स बताओ, टोटल मार्क्स बताने के लिए ऊपर टोटल मार्क्स लिखा होगा, तो बोले कहाँ टोटल मार्क्स है सर, तो हम बोलेंगे कि छठा कॉलम देख लेना, छठा इस रोल नंबर का, जो रोल नंबर बताएंगे उसका छठे कॉलम का डेटा बता देना हमको, काम खत्म हो गया। तो जो हम रो बता रहे हैं या नाम बता रहे हैं वो हो गया लुकअप वैल्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग तुम जिस रो या जिस कॉलम से जो वैल्यू को दे रहे हो उसका हो गया रिजल्ट। समझ में आई बात? हमको यही काम करना है, हमको यही काम करना है, हम रो और कॉलम बताएंगे, हम तुमको लुकअप वैल्यू बताएंगे, उसे करस्पॉन्डिंग या तो रो से या तो कॉलम से हम डेटा तुमसे मांगेंगे, या तो हम कॉलम से मांगे या तो रो से मांगे, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो वही है मेरा लुकअप। तो लुकअप दो तरीके का होगा, एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, और एक होगा वर्टिकल लुकअप, जहां पे हम वर्टिकल लुकअप का बात करेंगे। देखते हैं क्या अंतर है दोनों में। एच लुकअप फंक्शन लुकअप ऑफ वैल्यू, गिवन वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ द डेटा एरे, डेटा एरे करेंगे मतलब वो टेबल जो टेबल में हम खोज रहे हैं, एंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम अनदर रो ऑफ एरे। सिंटेक्स, सिंटेक्स समझ में आ गया तो समझो फंक्शन समझ में आ गया। एच लुकअप फंक्शन का नाम, उसके बाद लुकअप वैल्यू किसको खोजना है, हम किसको खोजना चाहते हैं, इस पूरे क्लास में से हम शिवम कुमार को खोजना चाहते हैं, ठीक है। एक शिवम कुमार डेटाबेस है, उसमें रोल नंबर और पूरा नाम लिखा गया है और सबका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टोटल परसेंटेज डिविजन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से हम शिवम कुमार का हम टोटल मार्क्स देखना चाहते हैं, तो लुकअप वैल्यू कौन होगा, शिवम कुमार, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू दे दिए जिसको खोजना है, और उसके बाद हमको टेबल एरे भी तो बताना पड़ेगा ना, A1 से लेके I10 तक ये हमारा डेटा है, यही खोजिएगा, इसके बाहर नहीं खोजना है और इसके नीचे नहीं खोजना है, ठीक है। तो वो टेबल एरे मतलब पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेंगे हम, जितना कॉलम उतना रो, ये हमारा पूरा का पूरा टेबल है। अब इसके बाद टेबल एरे के बाद रो इंडेक्स नंबर, हमको कौन से रो का डेटा चाहिए, कौन से हॉरिजॉन्टल वाला बात कर रहे हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ऐसे खोजेंगे, हम लोग जिस डेटा को बोलेंगे उस डेटा का रो निकालना है, ठीक है। वर्टिकल वाले में कॉलम, अभी जो हम एग्जांपल दिए ना वो वर्टिकल कॉलम का था, वर्टिकल लुकअप का था, हॉरिजॉन्टल लुकअप में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लुकअप में ये करेंगे कि हम लोग एक वैल्यू खोजेंगे, उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम बोलेंगे कि किस रो से वैल्यू उठाना है, किस रो से। जैसे मान लो अटेंडेंस रजिस्टर है, कोई बोला कि सर 25 तारीख के डेट में मेरा अटेंडेंस बना हुआ है कि नहीं बना है बताइए, तो हम अटेंडेंस रजिस्टर तुम तो देखे होगे, 1 2 3 4 से डेट रहता है, तो हम सीधे 25 नंबर पे जाएंगे, तो लुकअप वैल्यू हो गया मेरा 25, और 25 डेट में किस रो का वैल्यू चाहिए हमको, तो तुम बोलोगे मेरा रोल नंबर 14 है, तो 14th नंबर रो का वैल्यू देखेंगे ना 25 में क्या है, समझ में आ रही बात। तो ये रो वाइज डेटा सर्चिंग हो गया, और तुम नाम बताओ, नाम बताओ, और हम कॉलम में बताएं डेटा, तो कॉलम वाइज बन गया। अब तुम नाम बता दिए, बोले 25 तारीख में पीए किए बताइए, 25 तारीख में पीए किए बताइए, तो नाम खोजे और हमको कॉलम में जाना पड़ेगा ना 25वां कॉलम में, तो हमको पता चलेगा पीए किए है। तो हम ऐसे भी खोज सकते हैं और ऐसे भी खोज सकते हैं, ठीक है। तो जहां हम रो नंबर देंगे वो एच लुकअप है, हॉरिजॉन्टल लुकअप है, जहां पे हम रो नंबर का बात करेंगे, और जहां कॉलम का बात करेंगे वो हम लोग का वी लुकअप हो जाएगा या वर्टिकल लुकअप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे लिख दिए हम लोग रो इंडेक्स नंबर, तो लिख दिए, यहां कोई दिक्कत नहीं है, रो नंबर अभी हम करके भी देखेंगे तो और समझ में आएगा। इसके बाद है ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में रेंज ई लुकअप, रेंज बिग ब्रैकेट वाला क्यों होता है बताओ, ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कहने का मतलब यह हुआ कि नहीं भी होगा तो हमारा एरर नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो रेंज ई लुकअप ये क्यों है, अब यहां देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ई लुकअप जो होगा इसको हम सेट करेंगे कि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए या हमको तो रेंज लुकअप एन ऑप्शनल लॉजिकल आर्गुमेंट विच कैन बी सेट ट्रू और फॉल्स. ट्रू इफ फंक्शन कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट मैच टू द सप्लाइड लुकअप वैल्यू इट विल यूज द क्लोजेस्ट मैच बिलो द सप्लाइड वैल्यू. मान लो हम कोई चीज खोज रहे हैं, कोई न्यूमेरिक डेटा के बारे में बात करते हैं, कोई न्यूमेरिक डेटा खोज रहे हैं, वो डेटा हमको नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? अगर हम उसको बोलेंगे ना कि हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हमको एग्जैक्ट मैच करके देगा, नहीं मिलेगा तो एरर देगा. तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे ट्रू. ट्रू कहने का मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है, उसके ठीक पहले वाला नंबर जो नंबर मालूम 300 फाइंड कर रहे हैं, 300 नहीं है, उसके जगह पे 250 है तो हमको 250 फाइंड करके देगा. उसका भी अपना इस्तेमाल है, कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग. तो जब हम लोग अप्रोक्सीमेट मैच करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर गिवन है उस नंबर के पहले जो सबसे क्लोजेस्ट नंबर है उससे कम, उस नंबर को हमको फाइंड करके देगा. ठीक है. अच्छा, अब एक बात और है कि अगर हमको ऐसा करना होगा, एग्जैक्ट मैच करने में कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स भी एग्जैक्ट मैच हो गया. अगर तुमको अप्रोक्सीमेट मैच करना है तो जो डेटा है वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, यह भी शर्त है. वो डेटा शॉर्टेड ऑर्डर, क्योंकि आगे जब बढ़ गया तो उसको पता चलना चाहिए कि अच्छा, मान लो कि हम 200 खोज रहे हैं, 300 खोज रहे हैं, अब आगे बढ़े मिला 200, आगे बढ़े मिला 250, आगे मिला 325, तो 325 मिल गया. अब हम कश्योर रहेंगे ना कि आगे 225 नहीं मिलेगा, 325 है, इसका मतलब आगे वो डेटा नहीं मिलेगा जो खोज रहे हैं, 300 नहीं मिलेगा, तब तो उसके पहले वाला डेटा कम रिटर्न करेंगे. क्योंकि अगर पूरा शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं रहेगा तो 300 तो कहीं मिल सकता है, तो पूरा का पूरा खोजते रह जाएगा वो. इसीलिए कि अगर आप एग्जैक्ट मैच करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी रखिए, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट मैच करा रहे हैं तो डेटा शॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए, पहले कम वाला, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा. ठीक है. ओके, यहां तक हो गया. और चलो एक बार हम इसको करके दिखाते हैं, फिर बात करेंगे. अच्छा देखो, ये हमारा एक ऐसा ही रिजल्ट जैसा रैंडम बना हुआ है, कॉस्ट. अच्छा, तुम लोग अपना सब्जेक्ट करना बताओ, तो इसको बीसीए कर देते हैं. और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ो, कोई सब्जेक्ट नाम बताओ. अच्छा, POM. चलो आओ यहाँ, पाइथन, इंग्लिश हो गया. ठीक है, टोटल भी ठीक है, परसेंटेज सब हो गया. यहाँ तक ये डेटा है मेरा. अब हमको करना क्या है ना, इस डेटा में से हमको बना के देना है तुरंत कि किसको कितना नंबर आया है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स किसको कितना आया है. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इस नाम को ऐसा करते हैं ना, इसको हम लोग कॉलम वाइज लेके जाते हैं. ठीक है, हम कुछ ऐसा डेटा शीट तैयार किए. अब हमको करना क्या है कि हमको देखो, ध्यान दो इधर, नेम है यहाँ पे, ये है ना नेम. अब हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा शीट बना रहे हैं जहां डेटा निकाल के रखेंगे लुकअप के बाद, लुकअप यूज करके हम लोग लिखते हैं यहाँ सारा नेम को, यहाँ सिलेक्ट कर लिए सिलेक्ट, और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट. ठीक है, ये नेम हो गया.
अब हमको इसमें से क्या चाहिए, इसमें से देखो यहाँ पे नेम है, अलग अलग रोज का बात करते हैं, ये रो है, ये बैच है, ये पीओएम पाइथन इंग्लिश टोटल, क्या चाहिए तुमको, तो हम लोग टोटल मांग के चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेम, ये हो गया टोटल मार्क्स, और हमको यहां से इस सीट से को यूज करते हुए टोटल हमको लेके आना, सर्च करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एच लुकअप लिखेंगे ना पहले, एच लुकअप, और एच लुकअप में किसको लुकअप करना है, ऋषभ को, अभी ऋषभ को लुकअप करेंगे, चलो ऋषभ को सिलेक्ट कर लिए, कहां लुकअप करना है हमको, इसमें लुकअप करना है, यहां से लेके यहां तक में, ठीक है, हाँ ना, कुछ बोलो तुम लोग, यहां तक में लुकअप करना है, उसके बाद फिर कॉमा दे देंगे, कॉमा देके हमको वो रो का इंडेक्स बताना है जिस रो का वैल्यू चाहिए, ऋषभ का क्या चाहते थे हम लोग, टोटल, तो एक दो तीन चार पांच छठा नंबर चाहिए ना, छठा नंबर चाहिए, कॉलम इंडेक्स दे दिए, रो इंडेक्स दे दिए, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए कि ट्रू मैच चाहिए, तो ऋषभ का ही ना चाहिए, कि कोई ऋषभ जैसा कुछ और होगा उसका नहीं चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे एग्जैक्ट मैच, मतलब फॉल्स, यहां रख कर दे इंटर, ध्यान दो एक बार हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए, सबसे पहले लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किए, उसके लिए हम लोग क्या कर लिए, हम लोग सीधे वो सेल सेलेक्ट कर लिए जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था, कॉमा दिए, उसके बाद पूरा डेटा शीट बता दी, इसी डेटा शीट में से खोजना है आपको, वो दे दिए, उसके बाद कॉमा दे के हम ये बताए किस रो नंबर का डेटा हमको चाहिए, अगर हम वहां 5 दे देंगे तो इंग्लिश का नंबर दे देगा, अगर वहां पे हम 7 दे देंगे तो परसेंटेज दे देगा, अगर 8 दे देंगे तो ग्रेड दे देगा, समझ में आ रही बात है ना, 6 के जगह पे अगर हम 7 दे देंगे तो क्या दे देगा, परसेंटेज दे देगा ना, 8 दे देंगे तो ये देगा, क्यों, क्योंकि गिनती करो यहां से 1 2 3 4 5, छठा में टोटल है, 7वां में परसेंटेज और 8वां में ग्रेड है, तो हम जैसे जैसे करेंगे वैसे करता जाएगा, यहां इंटर प्रेस करेंगे तो हमको 202 मिल गया, ऋषभ का टोटल मार्क्स मिल गया, तो लुकअप हो गया ना, हमको इस डेटा शीट से हमको मिल गया वैल्यू, क्या इसको ड्रैग कर दे तो हमको सबका मिल जाएगा क्या, एक बार फिर सोच के बोलना ध्यान से, इसको अगर हम ड्रैग कर दे तो सबका टोटल मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा एक काम करो, एक चीज बताओ, यहां पे जो फॉर्मूला है A27, इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ A28 आ जाएगा ना, तो A28 आएगा तो धीरज सिलेक्ट हो जाएगा, तो हमको धीरज का भी तो टोटल चाहिए, आगे जाएगा तो फिर A29 हो जाएगा, तो प्रथम हो जाएगा, मतलब पहला वाला कोई दिक्कत नहीं है, ड्रैग करते जाएंगे वो अगला अगला को सिलेक्ट करता जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, B17 से H24, जैसे ही नेक्स्ट में आएंगे तो B18 से H25 हो जाएगा ना, एक बढ़ जाएगा ना, तो B18 से H25, अच्छा आओ तो देखे B18 से H25 कहाँ आता है, B18 यहां है, यहां से आएगा H25 कहां गया, यहां आ गया, बताओ तो जिसको लुकअप कर रहे थे वही कॉलम वही रो मेरा छूट गया, तो ये तो मिलेगा, धीरज खोजते रहेगा नहीं मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा, और अगली बार क्या हो जाएगा, और एक और बढ़ जाएगा, तो मेरा जो टेबल शीट है वो हमारा क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी हमारा उसको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा ना, उसको फिक्स करना पड़ेगा, क्या करेंगे हम लोग, यहां पे आ जाओ और यहां आके F4 दबाओ, और हमको क्या फिक्स करना है, रो नंबर या कॉलम नंबर, हम उसको ड्रैग कैसे कर रहे हैं, रोज में ड्रैग कर रहे हैं, तो रोज फिक्स करना पड़ेगा, सब फिक्स कर दो नहीं तो रोज तो करना ही पड़ेगा, अब हमारा कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, अब हमको सारे लोगों का लुकअप वैल्यू मिल जाएगा इस डेटा शीट से, मिल गया, अब जैसे राजन का टोटल कितना था, देखो 210 था, राजन का 210 था, ठीक है,
अगर मान लो इस सीट में से हमको खोजना पड़ता तो हमको क्या करना पड़ता, वी लुकअप, क्योंकि हमको यहाँ अब कॉलम में चाहिए, हमको अब कॉलम में चाहिए डेटा, तो हमको वी लुकअप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे एक्सेल में लुकअप फॉर्मूला का बहुत यूज होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा में से कोई डेटा सर्च करके निकालने के लिए लुकअप का इस्तेमाल बहुत होता है। अभी तुम देखो, हम लोग अभी किए थे ना कि कितना बाई करोगे तो कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, याद है ना सवाल, हम लोग इफ लगाए थे उसमें, फिर एल्स वाले में फिर इफ लगाए थे, फिर इफ लगाए थे, बहुत सारा काम किए थे कि 0 से 1000 में इतना डिस्काउंट, ये बहुत सारा काम किए थे। लुकअप के माध्यम से कितना आसानी से होता है तुमको दिखाए, अच्छा टाइम हो गया क्या, अच्छा ठीक है, जो इसीलिए हिमांशु कुमार 127 छटपटाया हुआ है तब लॉगिन करने में, अटेंडेंस बनाना है। ओके, तो हम लोग